हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने का बहुत ज़्यादा टेस्टी व्रत स्पेशल नाश्ता। फ्रेंड्स, आप इनको साबूदाना बड़ा, साबूदाना पकौड़ा कुछ भी बोल सकते हैं, बट खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और इतने ज़्यादा क्रिस्पी हैं कि आपने आज तक इस तरह के क्रिस्पी पकौड़े कभी नहीं खाए होंगे। बहुत ही झटपट से बन जाते हैं, तो चलिए इनको ना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं ये एक कप साबूदाने, जो मीडियम साइज़ के इस तरह के साबूदाने आते हैं वही साबूदाने लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, साबूदानों को अच्छे से हमें 3 से 4 बार तक पानी से धोना है, क्योंकि इनमें बहुत सारा स्टार्च वगैरह होता है, तो इनको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धोने के बाद हम क्या करेंगे कि जितना मैंने साबूदाना लिया है उतना ही हम पानी लेंगे, और पानी लेने के बाद हमें इनको 3 से 4 घंटे के लिए भिगोना है, जिससे कि जो साबूदाने हैं वो अच्छे से फूल जाएं। तो पहले हम इनको धोएंगे, और जितना मैंने साबूदाना लिया है उतना ही पानी लेके अच्छे से हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर साबूदाने पहले से ही भिगो के रखे हैं, यानी कि जितना मैंने साबूदाने लिए थे उतना ही पानी लिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि साबूदाने किस तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको जिस तरह से मेजरमेंट बताया है उसी हिसाब से आपको करना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी यहाँ पर ये 3 चम्मच दही। थोड़ा सा थिक दही डालना है, पतला नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा जो बैटर है बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो 3 चम्मच दही डाल दिया है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा डालेंगे जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, अदरक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियाँ डालेंगे, 1 तेज़ चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें वही यूज कर रही हूँ जो व्रत में खाई जाती हैं, अगर आप कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप कर दीजिए। 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब ये सभी चीज़ों को अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं चम्मच की हेल्प से। तो ये लीजिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर इनको चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है इस कप से यहाँ पर ये समा के चावल, यानी कि जितना मैंने साबूदाने लिए थे उसी कप से मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कप समा के चावल। बराबर मात्रा में लेनी है दोनों चीज़ें, 1 कप से ले रहे हैं तो उसी कप से या कटोरी से आप सेट कर लीजिए। तो 1 ही कप मैंने समा के चावल ले लिए थे, उनको पाउडर बना के तैयार कर लिया है। इनको हम इस तरह से डाल देंगे, इसमें अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। अगर आपके पास समा के चावल नहीं है तो आप इसमें कूटू का आटा या फिर सिंगाड़े का आटा भी डाल सकते हैं, जो भी आप व्रत में खाते हैं वही डाल दीजिए। तो सारा 1 कप मैंने समा के चावल का पाउडर इसमें अच्छे से डाल दिया है। फ्रेंड्स, मेजरमेंट का आपको पूरा ध्यान रखना है कि 1 कप साबूदाना के साथ ही हमें 1 कप समा के चावल लेने हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा इस तरह से डो बनके तैयार हो गया है। ना तो हमें इसमें पानी की ज़रूरत है, ना ही हमें इसमें और भी एक्स्ट्रा बाइंडिंग की ज़रूरत है। मेजरमेंट के हिसाब से आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके इस तरह से पकौड़े बनके तैयार होंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं कि आपने आज तक कभी इस तरह से पकौड़े नहीं खाए होंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 सैचो इनो फ्रूट सॉल्ट का, जो व्रत में खाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, व्रत में ये खाया जाता है, इसमें नमक वगैरह नहीं होता है। तो मैं इसमें से डाल रही हूँ यहाँ पर ये 1/2 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट। अगर आप व्रत में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह खाते हैं तो वो भी आप 1/2 चम्मच डाल सकते हैं। ये डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना आप इसको पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। बट इससे क्या होता है कि पकौड़े हमारे अंदर से एकदम फूले फूले बनते हैं और बाहर से एकदम क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से हल्के से सॉफ्ट बनते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, अब हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, चलते हम तुरंत गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है गैस ऑन करके कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, काफ़ी अच्छे से हीट आ रही है। ऑयल को हमें एकदम अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद ही हमें पकौड़ों को इसमें डालना है, यानी कि धीमी धीमी आंच पे हमें इनको नहीं डालेंगे, नहीं तो पकौड़े डालते एकदम बिखर जाएंगे, अच्छे से नहीं सेक पाएंगे। यानी कि ऑयल जिस तरह से हम पूरियाँ डालते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हमें इसको गर्म करना है। तो छोटा छोटा सा पोर्शन लेके इस तरह से हम सारे पकौड़ों को हम डाल देंगे, एक बार में जितने आ जाएं आप उसे डाल दीजिए। तो पहले हम 2 से 3 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद हम इनको पलटेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े से चिपकते हैं आपस में, बट कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे जैसे सिकते जाते हैं अपने आप से ये अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि चिपकते नहीं हैं, बिल्कुल भी छूट जाते हैं आपस में ये। तो ये देखिए, नीचे से इनका जो कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, तो इसी तरह से हमें इनको दूसरी साइड से भी सेकना है एकदम बढ़िया से क्रिस्पी गोल्डन होने तक। तो इसी तरह से हमें इनको उलटते पलटते रहना है, जैसे ही हम पकौड़े डाल देंगे उसके बाद हम गैस का जो फ्लेम है उसको मीडियम कर देंगे, यानी कि डालते टाइम आप गैस का फ्लेम हाई रखना है,
और जैसे ही पकौड़े डल जाएँ उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। ये प्रोसेस का आपको ध्यान रखना है, तभी हमारे पकौड़े एकदम क्रिस्पी गोल्डन बनके तैयार होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पकौड़ों को सेक लिया है, बहुत ही क्रिस्पी एकदम मज़ेदार पकौड़े बनके तैयार हुए हैं, ये देखिए। तो इस तरह से हम सारे पकौड़ों को इसमें से निकाल देंगे, इस एक टिश्यू पेपर पर निकालेंगे जिससे कि इनका जो भी एस्ट्रॉल है वो उसमें से निकल जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही करारे करारे क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि इतने क्रिस्पी पकौड़े आपने आज तक कभी नहीं खाए होंगे। मेरे कहने से आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए व्रत के लिए बहुत सारी नई नई रेसिपी बनाई हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आती है, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी ला रही हूँ जिससे कि आपको व्रत में कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए इस तरह से मैंने दूसरे बैच को भी सेक लिया है, बहुत ही बढ़िया एकदम प्यारा कलर आ चुका है इसमें से भी, बहुत ही करारे करारे पकौड़े बन चुके हैं। तो इसी तरह से हम इनको भी निकाल देंगे। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म पकौड़े सिक्के तैयार हैं। तो आप इनको दही के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ खाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।